subscribe to my channel and press the bell icon button. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अक्सा सईद। वेलकम टू माय एडीज़ किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसका नेम है चिकन ब्रेड। आज हम न्यू स्टाइल में चिकन ब्रेड बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक आती रहें। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है 2 कप मैदा, 1 गिलास नीम गरम दूध, 6 चम्मच हम लेंगे इसमें मक्खन, 1 प्याली हम पानी के लेते हैं, इसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया हुआ है। इसके साथ हम 1 चम्मच नमक लेंगे, 2 चम्मच हम इसके साथ ईस्ट लेंगे और इसके साथ हम 1 चम्मच पिसी हुई चीनी लेंगे। अब हम मैदे को बाउल में डाल देते हैं। पहले हम सारी ड्राई फ्रूम डाल लेते हैं, उसके बाद हम पानी और दूध ऐड करेंगे। अब हम 1 चम्मच नमक ऐड कर देते हैं इसमें। एक चम्मच हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। नमक और ईस्ट को हम इकट्ठे नहीं डालेंगे तो हमारी डो नहीं फूलेगी। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे। तो जी, अब हम इसमें ईस्ट ऐड कर देते हैं 2 चम्मच। अब हम इसे फिर 1-2 चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 6 चम्मच मक्खन ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें 1/2 ग्लास दूध ऐड करते हैं पहले। हाफ ग्लास बाकी भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम इसे हाथ की मदद से मिक्स अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। तो जिस तरह से हमारी डो रेडी हो गई है, अब हम इसे 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम बनाते हैं ब्रेड की फिलिंग, जिसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम चिकन। इसे मैंने बॉईल कर लिया है। इसके साथ हम लेंगे 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हम लेंगे नमक, 2 चम्मच हम लेंगे मक्खन और इसके साथ हम लेंगे 1 प्याली दूध की और इसके साथ हम लेंगे 2 चम्मच मैदा। इसके साथ हम लेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें हमारे पास बंद गोभी, हरी प्याज और साथ हम इसका लेंगे शिमला मिर्च जिसे हमने थोड़ा थोड़ा काट लिया है, और साथ हम लेंगे गार्लिक पाउडर। अब हम एक पैन लेते हैं और उसमें हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। मक्खन को हम डायरेक्ट नहीं इसमें डालेंगे, नहीं तो वो सारा इसके साथ चिपक जाता है। अब हम मक्खन डाल दें, इसे अच्छी तरह से मेल्ट करते हैं। तो जी, हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच गार्लिक पाउडर ऐड कर देते हैं। अगर आपने वैसे गार्लिक लेना है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड कर देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते हैं। ये हम वाइट सॉस की तरह बना रहे हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
तो जी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं और इसके साथ हम सब वेजिटेबल्स को भी इसमें ऐड कर देते हैं। आपकी चॉइस है, आप और भी ऐड कर सकते हैं कोई भी वेजिटेबल्स। इसके बाद हम सब इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देते हैं वाले भी और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं। तो जी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है, अब हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो जी 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी डो देख सकते हैं कि रेडी हो गई है। अब हम इसे बीच में से निकाल लेते हैं बॉल के। थोड़ी सी ऑयल के साथ हम इसे दोबारा से थोड़ा सा गूंद लेते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से बेल कर शेप में ले आते हैं। तो जी कुछ इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। अब हम इसमें फिलिंग ऐड करते हैं। तो जी सारी चिकन की फिलिंग मैंने इस पर ऐड कर दी है। हम इसमें ऊपर चीज़ ऐड करते हैं। तो जी हमारी चीज़ भी तकरीबन डल गई है। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो एक स्टेप हम इस तरह से इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, देन दोबारा इसी तरह से अगेन हम इसे एक स्टेप फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक कटर की मदद से हम इसके थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं इस तरीके से। अब हमने इसे राउंड कर लिया है। अब हम इस पर बटर पेपर लगाते हैं और थोड़ा सा मैंने इस पर ऑयलिंग कर ली हुई है। अपने इसके ऊपर ब्रेड रख दी है। अब इसके ऊपर हम अंडे के ऊपर हम कवरिंग कर लेते हैं, इसकी कोटिंग कर लेते हैं। अब हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे थोड़ी सी। और थोड़े से तिल ऐड कर देते हैं। हम इसमें थोड़ी सी और कलौंजी ऐड कर देते हैं और थोड़े से तिल ऐड कर देते हैं। तो जी हमारे बेकिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। मैंने एक पतीली है, उसमें 4 चम्मच नमक डाल दिया है और मैं इसको ढाँप कर रखती हूँ। तो जी हम अपने ब्रेड को बेक करने के लिए रखते हैं। तो जी मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन देकर इसे 45 मिनट के लिए रख दूँगी। तो जी 20 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं। तो हमारी हाफ ब्रेड रेडी हो गई है, हम इसे दोबारा ढाँप कर रख देते हैं। तो जी 45 मिनट पूरे हो चुके हैं, हमारी ब्रेड रेडी हो गई है। तो जी हमारी ये रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ईजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब हम इसे चेक करते हैं। तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो है इसकी। अगर आपके पास ओवन है, अगर आपने इसे ओवन में बनाना है तो आप इसे 30 मिनट के लिए बेक करें, और अगर आपने इसे पतीली में बनाना है तो आप इसको 45 मिनट बेक करें। तो ये आप देख सकते हैं, इस वक्त बहुत गर्म है। ये आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना हुआ है। तो ये बहुत ही टेस्टी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।